हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू पबजी मोबाइल बोनस चैलेंज की वीडियो के अंदर। तो गाइस, आज हम लोग खेल रहे हैं सोलो बोनस चैलेंज गेम प्ले, और भाई ये वाला गेम प्ले बहुत ही ज़्यादा तगड़ा रहने वाला है, क्योंकि भाई इसमें एंड जोन में जाके इतना ज़्यादा अजीब जगह पर जोन बन जाता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा इंटेंस सिचुएशन हो जाती है। और आप लोग देखना कि हम लोग कैसे सर्वाइव कर पाते हैं और कौन सी पोजीशन हम लोग ले पाते हैं और कितने कॉइंस अपने को मिलने वाले हैं। तो गाइस, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना ऐसी मज़ेदार बोनस चैलेंज की वीडियोज़ के लिए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस, यहां पे हम लोग उतरे हुए थे अपनी ड्रॉप लोकेशन के ऊपर, और यहां पे देखो हम लोग लूट वूट कर लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, गाड़ी उठाते हैं और सीधा चले जाते हैं आगे कंपाउंड को लूटने के लिए, और वहां पे भी हम लोग लूट वगैरह करके अपना जोन में जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो सीन क्या होता है, देखो अभी काफी ज्यादा जो बंदे हैं वो इधर उधर फैले होते हैं और मुझे यहां पर एक भी किल नहीं मिलता है। तो अब मेरे को यहां पर चाहिए थे बहुत सारे किल्स, क्योंकि भाई देखो किल्स लेंगे तभी अपने को अच्छे खासे पॉइंट्स मिलेंगे, और भाई किल्स के साथ अगर अच्छा खासा पोजीशन भी ले ली तो बहुत सारे पॉइंट्स और यूसी मिल जाते हैं अपने को यहाँ पे। तो देखो अब मैं यहाँ से देखो क्रॉस कर ही रहा होता हूँ, इतने में मुझे आवाज़ आती है कि घटका के बाहर मतलब ओपन के अंदर कोई लड़ रहा है, और भाई देखो जोन पीछे से आ रहा था। तो मैं यहाँ डिसाइड करता हूँ कि चलो इन बंदों का करेंगे हम लोग जोन कैंप, क्योंकि अगर मैं वहाँ पर डायरेक्टली लड़ने जाऊँगा तो पता नहीं कौन बंदा कहाँ पर घास के अंदर लेटा रहेगा। तो मैं देखो आ जाता हूँ गाड़ी लेके ये वाले कंपाउंड पर इनका जोन कैंप करने के लिए, और जैसे ही मैं यहाँ पर आ जाऊँ तो अपना जोन कैंप जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है। क्योंकि भाई ये जो बंदा पीछे लड़ रहा था गटका के अंदर, इसके पास गाड़ी नहीं होती और ये पैदल ही जोन के अंदर आ रहा होता है। तो देखो अब हम इसका जोन कैम्प करने वाले थे बहुत भयंकर तरीके से, और भाई देखो इसके साथ हम लोग कैसे फाइट निकालेंगे वो देखना आप लोग। भाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार ये फाइट रहने वाली, और काफ़ी लंबी फाइट चलती है, और देखो हम लोग कैसे इसको पेलते हैं। तो भाई ये बंदा दूसरी बार अपने स्प्रे से बच जाता है, तो मैं यहाँ डिसाइड करता हूँ चलो हम लोग थोड़ा सा जोन के अंदर चलते हैं, क्यों खामखा हम लोग जोन के बाहर बैठे क्योंकि अपने पास जोन है। और भाई देखो मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ थोड़ी देर होल्ड करता हूँ, यहाँ पे भी ये लोग जो बंदा है ये बम बम फेंकना शुरू कर देता है, मतलब ये रैंडम बम्स वगैरह फेंक रहा था यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे मैं और थोड़ी देर होल्ड करता हूँ, इतने में जोन आना शुरू होता है, ये बंदा देखो अपने राइट पर आ जाता है, और भाई मुझे यहाँ पे पता ही नहीं चलता ये बंदा कब इतना ज़्यादा फ्लैंक करके राइट साइड आ गया था। वो तो अच्छा हुआ मैं यहाँ पे इसको देख लेता हूँ, और इजीली हम लोग इसको मारने में कामयाब हो जाते हैं। तो भाई देखो इसको लूट के हम लोग चल जाते हैं आगे की तरफ। तो भाई देखो एक दो जोन मैं पीछे होल्ड करता हूँ, और उसके बाद मैं जोन के अंदर एंट्री ले लेता हूँ, मतलब काफ़ी एंड जोन्स आ चुके थे। तो यहाँ पे मैं ड्रॉप लेने के लिए आया था, लेकिन भाई देखो यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी घमासान जो है वो बंदे इधर उधर कैंप करके बैठे हुए थे, तो मैं आ रहा था तो भाई गलत ही बंदा मेरे को पेलता है। तो यहाँ पर क्या मैं डिसाइड करता हूँ कि इस वाले कंपाउंड पर हम लोग रुक जाएंगे, क्योंकि भाई ये एज पे भी था और यहाँ से अपने को काफ़ी सारे बंदे जो है वो देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई देखो मैं यहाँ पर थोड़ी देर होल्ड करता हूँ, इतने में काफ़ी सारे बंदे जो है यहाँ से क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी हील करता हूँ, और इतने में सामने से आ जाते एक बग्गी। तो भाई ये वाला बंदा एक बार के लिए तो बच के निकल जाता है यहाँ से, लेकिन भाई इस बंदे को मारेंगे ज़रूर हम। तो इतनी देर में क्या होता है कि यहाँ पे मैं होल्ड कर रहा था, इतने में पीछे की साइड से एक और गाड़ी आ जाती है, और भाई देखो उसको भी मैं अच्छा खासा यहाँ पे डैमेज देता हूँ। इतने में पता चलता है कि साइड में भी एक बंदा है और एक गाड़ी और आती है, और भाई ये बंदा जाके डिप में रुक जाता है। तो भाई ये वाला जो गाड़ी वाला था इसको अच्छी खासी पड़ती है, इतने में क्या होता है पता है मुझे समझ नहीं आता ये जो डिप वाला बंदा ये क्या एक्टिंग बाजी कर रहा होता है यहाँ पे। और अब देखो इसके साथ क्या गलत सीन करते हैं हम लोग। तो भाई यहाँ पे हम लोग इस बंदे की इजीली पेटी बना देते हैं, क्योंकि भाई देखो रैंडम फायर मारते हैं और डायरेक्टली उसको बॉडी और हेड कनेक्ट हो जाता है। तो इतने में सीन का देखो मैं यहाँ पे होल्ड कर ही रहा हूँ, इतने में भाई एक बंदा मतलब अंधों की तरह अपने घर के अंदर घुस जाता है, वो भी पैदल, और भाई देखना आप इसके साथ हम लोग क्या सीन करने वाले हैं। भाई मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि भाई ये बंदे ने क्या सोचा अपने घर में घुसने से पहले, और भाई डायरेक्टली घुस जाता है और इजीली हम लोग इसकी पेटी बना देते हैं। देखो अभी सीन क्या होता है, देखो कुछ जो है वो आगे थोड़ा सा जोन कट जाता है, और मैं ऊपर बंदों को सपोर्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि भाई काफ़ी बंदे ऊपर लड़ रहे होते हैं। इतने मुझे एक बंदा यहाँ पर सपोर्ट हो जाता है ऊपर की साइड पर, और भाई मैं यहाँ से मस्त इसको स्प्रे देता हूँ और इजीली इसकी पेटी हम लोग बना देते हैं। तो भाई देखो अब मेरे को यहाँ पे जोन के अंदर निकलना था, क्योंकि भाई जोन पीछे से आना स्टार्ट हो चुका है 10 सेकंड के अंदर। तो मैं यहाँ पे अपना एक स्मोक निकाल लेता हूँ, ताकि भाई कोई अपने को
कैंपर जो है वो डायरेक्टली गाड़ी में बैठते ही ना मार दे, तो देखो एक तो स्मोक यहाँ पे गलत हो जाता है, इतने में एक गाड़ी आ जाती है सामने की साइड से, और अब देखो इसके साथ हम लोग क्या सीन करने वाले हैं। तो भाई ये गाड़ी वाला इतनी ज़्यादा स्लो कर लेता है अपनी गाड़ी की, भाई हम लोग इसकी इजीली पेटी यहाँ पे बना देते हैं, क्योंकि भाई देखो जोन जो है वो इसके पास भी नहीं था, और इसको भी भाई ऊपर से काफ़ी सारे फायर शॉट्स आ रहे होते हैं, तो ये भी कुछ नहीं कर सकता, तो इजीली हम लोग इसकी पेटी बनाते हैं। तो भाई देखो जोन जो है वो कट चुका होता है, और हम लोग आ जाते हैं जोन के एज पे, और यहाँ पे देखो मैं थोड़ी देर होल्ड करता हूँ, क्योंकि अभी जो जोन है वो बहुत ही ज़्यादा अजीब जगह पे बना हुआ है, क्योंकि कोई भी कंपाउंड यहाँ पे था नहीं। तो भाई देखो जोन में यहाँ पे मैं होल्ड करता हूँ, और इजीली हम लोग यहाँ पे टॉप 10 के अंदर आ चुके थे, 5 किल अपने हो चुके थे, और उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई चलो हम लोग जोन के अंदर चलेंगे। लेकिन तभी मैं देखता हूँ कि भाई पेट्रोल जो है वो अपने पास थोड़ा सा कम है, और अपने पास एक फ्यूल टैंक भी है, तो हम लोग भाई फ्यूल जो है वो भर लेते हैं, क्योंकि अगर एंड जोन में अपने को गाड़ी भगाने का मतलब ऐसा सीन रहा ताकि अपना फ्यूल जो है वो गलत टाइम पर ख़त्म ना हो जाए। तो मैं जैसे फ्यूल भर के देखो आगे की तरफ जाता हूँ, यहाँ पर एक बंदा जो है मुझे स्पॉट हो जाता है, पर भाई देखो यहाँ पे काफी सारे कैंपर होते हैं, और अब देखना क्या सीन होने वाले हैं यहाँ पे। तो भाई देखो यहाँ पे ये बंदा पीछे से कैम करके बैठा होता है, भाई जोन इतनी गलत जगह पे होता है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे यहाँ पे। तो पर भाई अपने को ये लास्ट किल जो है वो मिल चुका होता है, क्योंकि भाई अपने 5 किल थे और यहाँ पे अब अपने 6 किल हो चुके थे। तो गाइज चलो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर गाइज़।